ये देखो आज रियाज क्या करके बैठा है, इसके सर में बहुत गमोरी हो गई है, तो हमने कल इसका बाल उतार दिया था, तो इसके लिए हमने इसको अभी चंदन लगाया है इसके सर पे। अभी वो स्नान करेगा, रो रहा है देखो कैसे। चना इसके नोजी के ऊपर भी थोड़े छोटे छोटे दाने निकल रहे थे गर्मी के, तो मैंने थोड़ा उधर भी लगा दिया। चंदन बहुत ठंडा मतलब करता है बॉडी को, तो अभी इसका स्नान होगा। तो अभी रियांश को मैं मम्मी के पास छोड़ के नीचे आई हूँ, क्योंकि मुझे नीचे घर में काम करना है, तो मैं अपने घर का काम वाम करके स्नान वान करके फिर रियांश के पास जाऊँगी ऊपर। तो अभी मुझे बेडशीट चेंज करना है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये वाला मैंने बिछाया था, लगभग 8-10 दिन हो गए हैं, तो क्योंकि मैं नीचे सोती नहीं हूँ, खाली मैं दोपहर में आती हूँ अपने घर, मतलब बैठती हूँ उठती हूँ मतलब दिन भर, लेकिन सोते हम ज़्यादा है नहीं तो इतना गंदा नहीं हुआ। लेकिन अभी रियांश को सुबह लेके ही तो देखो यहाँ पे सुसु करके चला गया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चेंज कर देना, चादर गंदा हो गया, तो अभी मैं ये वाला चादर चेंज करूँगी इसके ऊपर। और घर की हालत देखो पूरी कैसी गंदी लगी पड़ी है, तो फटाफट मैं अपने घर का काम निपटा लेती हूँ और स्नान करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी ऊपर मम्मी की तरह आई हूँ, देखती हूँ रियांश क्या कर रहा है। अरे देखो टकलू ने स्नान कर लिया, सारे चंदन निकल गए, अभी रो रहा है मुझे उठा उठा बोल के आ जा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन तो मैंने शुरू कर दिया था, मतलब स्टार्टिंग आपने देख लिए मेरे वीडियोस मॉर्निंग, मतलब जो मतलब पहले हम उठे थे तो क्या हुआ, हम किधर मतलब रियांश को चंदन वंदन लगाया, ये सब तो आपने देख लिया। तो उसके बाद मैं नीचे आई अपने घर पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरा अभी घर का काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं घर पे अभी देखती हूँ, कुछ और भी काम है वो कर लूँगी। तो अभी रियांश ऊपर सो गया है, इस बीच में मैं मतलब घर का काम ख़त्म करके मैं ऊपर जाके आई, ऊपर मतलब रियांश को सुला के आई मैं, तो उसके बाद आके ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लिए रियांश रो रहा था तो मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दिया कि वो रो रहा है, उसको आके मतलब सुला के जा, तो मैं उसको सुला के आई हूँ अभी। तो मैंने घर का काम कर लिया, तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने घर अच्छे से साफ़ कर लिया है पूरा। ये देखो मैंने आपको बोला था ना मैं ये बेडशीट बिछाऊँगी, तो ये मैंने बेडशीट बिछा दिया है और झाड़ू पोछा अच्छे से मैंने सफाई भी कर दी है पूरी घर की। औरतों को जब तक घर साफ़ नहीं होता है ना तब तक अच्छा नहीं लगता है, मतलब शांति नहीं मिलती है गंदे घर, मेरे को तो गंदा तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आता। मुझे ऐसे लगता है मतलब जब तक घर साफ़ नहीं हो मुझे तो बिल्कुल खाना भी नहीं जाता है। तो कल के ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा कि बहुत मतलब बारिश की वजह से लाइट बंद ये वो मतलब बहुत कुछ हुआ, तो अभी लाइट रात से तो है, मतलब रात को आया 8:30 बजे कुछ लाइट आया, और मैंने आपने कल का भी देखा मैंने दाल राइस बना दिया था। अगर मुझे पता होता कि इतना जल्दी आता तो मैं थोड़ा वेट करती, वो हिसाब से मैं कुछ और बना लेती खाना, लेकिन लाइट का भरोसा नहीं था तो इसके लिए मैंने दाल राइस बना लिया था। तो अभी आज तो है, अभी मॉर्निंग में भी लाइट बंद हुआ था लेकिन आ गया आधे घंटे में, अभी तो लाइट चालू है। और गर्मी इतनी हो गई है, बारिश बंद है, तो मतलब हालत ख़राब है बहुत। अभी देखते हैं क्या होता है, और लाइट बंद की वजह से प्रॉब्लम भी हो रहा था, और प्लस रियांश का आपने देखा उसको हमने बाल उतारा है, उसको सर में ना पूरी घामोली हो गई है, तो उसकी वजह से ना उसको बहुत इचिंग खुजा रहा है, बाल पकड़ के खींच रहा है। तो पहले तो मैंने सोचा कि उसके बर्थडे तक रुकती हूँ, बाद में निकालती हूँ उसका बाल, क्योंकि बर्थडे मतलब फ़ोटो निकालेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चे को तकलीफ़ हो रहा है तो हमने सोचा कि जाने दे निकाल देते हैं, उसके तकलीफ़ से बढ़कर तो कुछ है नहीं। इसके लिए हमने कल उसके बाल उतार दिए, वो भी बहुत रो रहा था, और ट्रिमर से निकलवाया हमने तो, लेकिन बहुत रो रहा था, लेकिन क्या करें अभी उसके अच्छे के लिए हम कर रहे हैं, उसको तकलीफ़ हो रही है हम देख रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो बस रियांश को आपने देखा, आज भी रियांश को देखा आपने, टकला उनके घूम रहा है, जब से मतलब उसने बाल उतारा था हम उसको टकलू टकलू बोल रहे हैं, होता है ऐसे मतलब बच्चा रहे बड़ा रहे कोई भी रहे ऐसे बाल उतारता तो हमारे मुँह से खुद ही निकल जाता है ये टकले और टकलू करके, हम मस्ती में बोलते हैं, कोई बात नहीं अभी देखते हैं आज मतलब क्या होता है।
और हाँ, आप लोगों से और एक बात भी मुझे करनी थी कि बहुत से लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हो लेकिन मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग देखना पसंद कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज़ सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो गाइस बस इतना ही। तो यहाँ पर बन रहा है शाम का चाय और ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो आज हमारे घर पे बन रहा है नॉनवेज। तो ये मैंने कुछ फिश यहाँ पे फ्राई करके रखा है और ये लीवर। तो आज हमारे घर पे बनेगा नॉनवेज क्योंकि लिए मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। तो मैं आज जल्दी बना रही हूँ अपना खाना क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा 6:30 बज रहे हैं अभी, तो उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी बना ले रही हूँ। तो अभी मैं खाना वाना खा के घर से ऊपर मम्मी के घर पे आई हूँ, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो हमारा कांचा चीना टकलू रियांज, ये रियांज की बड़ी मासी, ये रियांज की छोटी मासी, ये रियांज की नानी, वो रहे रियांज के पापा। रियांज कहा हुआ मम्मा? हाँ पूरा टाइम मोबाइल नहीं देखते बेटा। और रियांज आ जा इधर बेटा, आ जा। ये देखो पूरा टाइम बच्चे को देखो कैसे मोबाइल दिखा दिखा के लोग बिगाड़ रहे हैं, कैसे इतना नजदीक से बच्चे को मोबाइल दिखाता है। ये देखो कैसे वो भी कैसे देख रहा है, देखो मोबाइल को हंसी, देखो हंसी ये सिर से हमारा ब्लॉग देख के हंस रहा है। और ये इसके पापा आ गए इसको तंग करने के लिए। दिखा क्या दिखा रही है, ये देखो हमारा ब्लॉग देख के इसको खुशी मिलती है रियांश को। रियांश बाय करो सबको, बाय रियांश, बाय करो, बाय बाय बाय। लगता है मूड नहीं है अभी बाय करने का। ये देखो बेटा बड़ा हो गया है, अपने बाप को लात मार रहा है, देखो कैसे देखो 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 उसको, उसका पापा बहुत इरिटेट करता है ना, इसके लिए उसको गुस्सा आ रहा है कि मुझे मोबाइल देखने नहीं दे रहा है। ये देखो बाप रे रियांश, रियांश और रियांश ऐसे पापा को नहीं मारते बेटा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है बब्बू। योगा कर रहे हो बेटा, योगा? ये देखो जबरदस्ती बच्चे को सिखा रहे लो हिंसा करना। वाकई में घर में छोटे बच्चे होने से घर का रौनक बदल जाता है, और जब से हमारा रियांश आया है हमारे घर पे तो रियांश जब से हमारे बीच में आया है तो तब से तो सब एकदम मस्ती, एकदम बहुत ही घर का माहौल चेंज हो गया है। होती है कि मुझे दूध नहीं मिलता है और ये दूध पीने से हाँ, रेंड से डबला।